Good morning. Welcome to Fat Tip Web, and I am Suman. So today's video is not going to be related any weight loss सब्जी video जो मैंने promise किया हुआ है या फिर कोई भी diet वगैरह से related नहीं है. This video is all about Q&A question and answer video, especially for Ramzan diet. Because Ramzan चल रहे हैं and I think मेरे ज़्यादातर मुस्लिम फैंस हैं, इंडियन फैंस भी हैं, हिंदू फैंस भी हैं, बट मुस्लिम फैंस काफ़ी ज़्यादा हैं जो इस टाइम बहुत डिमांड कर रहे हैं रिलेटेड टू Q&A. फर्स्ट थिंग एंड वेरी क्लियरली आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि रमजान डाइट अपलोड करने के बाद पॉजिटिव कमेंट्स जो मुझे रिसीव होते हैं विच इज़ वेरी गुड, वेरी मोटिवेशनल, बट वहीं पे ही मुझे नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी मिले हैं फ्रॉम द रमजान डाइट. नाउ पीपल कम्स एंड पोस्ट दैट कमेंट कि शी इज़ नॉट मुस्लिम, हाउ कैन शी अपलोड अ डाइट, जाके पहले खुद रोजा रख के देखो. दिस इज नॉट माई कल्चर, दिस इज समथिंग यू नो जो मैंने अपने मुस्लिम फैंस की रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल की है बाय अपलोडिंग दिस रमजान डाइट. मैं रोजा क्यों रखूंगी, आई एम हिंदू एंड इट्स नॉट लाइक ये रिलीजन कल्चर और ये यू नो हिंदू मुस्लिम मैटर टू मी. वी ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बींग. अगर आप हिंदू एंड मुस्लिम में डिफ्रेंशिएट करने लग जाओगे सो इट्स लाइक जो जो मेरे मुस्लिम फैंस हैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके कॉमेंट्स का तो मुझे रिप्लाई नहीं करना चाहिए. सो यू नो सच काइंड ऑफ पीपल, उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगी, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती अपने यूट्यूब चैनल पे बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, बीइंग अ यूट्यूबर. कोई भी नेगेटिव कमेंट्स मुझे अगर लिखता है इट डजंट मीन कि आप लोग मेरे यूट्यूब करियर पे कुछ कर सकते हो. फर्स्ट थिंग, नेगेटिव लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा मुझे पॉजिटिव यू नो कमेंट्स पसंद है, हर किसी को पसंद होते हैं. एंड जितना पॉजिटिविटी मुझे मिलती है फ्रॉम माई वीडियोज, फ्रॉम माई व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, बिकॉज मेरे सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हूँ. सोशल मीडिया पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, एक्टिव हूँ मैं एंड ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ, स्नैपचैट पे मैं नहीं. बट इंस्टाग्राम पे काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे रमजान डाइट दो या तीन दिन जितने भी गए हैं फॉलो करके मुझे फीडबैक भी दिया, राइट. सो आई फील वेरी गुड. एंड कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करा है कि दे फील वेरी हाइड्रेटेड एंड वेरी एनर्जेटिक whole day from my Ramzan diet, so it's like very good for me. But वहीं पे अगर मैं negative लोगों की बात करती हूँ, so आप लोग सिर्फ संसार में negativity फैलाने के लिए हो. मैं कोई नहीं होती आपके relation पे question mark उठाने वाली. I am a normal person and I also respect Muslim culture as well. मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगी भारत है ना पाकिस्तान, it's all about we all are human being. वो एक separate topic है जिसके बारे में मैं कभी बात नहीं करती on my channel, but हाँ we all are normal human being and it's like कि मेरे पास रमजान डाइट की जो रिक्वेस्ट थी वो मार्च से आ रही थी, मार्च से. एंड ऐसा है नहीं कि being a YouTuber, you know, मैं अपने फैंस की जो रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर कर दूँ. आई सर्च अ लॉट एंड जितना भी मुझसे पॉसिबिलिटी हो पाया है उस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए, बिकॉज ड्यूरिंग रमजान डाइट जब मैं अपलोड कर रही थी उस टाइम मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा था कि यू नो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि कितने टफ सिचुएशन से निकल निकल के भी मैंने वो रमजान डाइट अपलोड करी है. माई मदर शी वॉज नॉट वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट्स नॉट लाइक कि उनका नॉर्मल शुगर एंड बीपी बढ़ा हुआ था, इट्स लाइक थोड़ा सा क्रिटिकलिटी, थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी फॉर ऑल ऑफ अस. सो स्टिल उसमें से निकल टाइम निकाल के इफ आई एम अपलोडिंग अ डाइट फॉर यू गाइज, इट्स लाइक यू गाइज रियली मीन अ लॉट टू मी, राइट. एंड अभी भी सिचुएशन ये एवरीथिंग इज ऑन द रिकवरी पार्ट. दैट्स द रीजन कि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उस पर मैं बहुत रेयर वीडियोज पोस्ट कर पा रही हूँ, बट जितनी पोस्ट कर पा रही हूँ इट्स लाइक मैं टाइम निकाल निकाल के ही कर पा रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट रनिंग एज अ बिजनेस फ्रॉम दिस यूट्यूब. इट्स लाइक आई एम अ सोल पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दिस वीडियोज, ऑन माई कॉमेंट्स, ऑन माई सोशल मीडिया. सो मेरे से जितना हो पाता है आई डू दैट. नाउ मूव टू द रिप्लाइंग ऑन द कमेंट्स. मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, मैक्सिमम कमेंट्स का. आप कोई भी मेरी यूट्यूब वीडियो उठाइए एंड चेक आउट द कमेंट सेक्शन. बट हाँ, दैट क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट, शुड बी रेलिवेंट. अब ऐसा नहीं है ना कि लाइक देयर इज अ सम व्यूअर, मैं नाम ही मेंशन करना चाहूंगी, शी कीप आस्किंग मी अ क्वेश्चन ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई सोशल मीडिया, ऑन माई यूट्यूब कमेंट्स. कैन पीसीओडी एंड पीसीओएस पर्सन हैव कर्ड विद बर्ले दलिया. मैंने हर अपनी पीसीओडी की वीडियो में मेंशन कर रखा है नो डायरी प्रोडक्ट्स फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस. कैन आई हैव लस्सी, आई हैव अ आई एम अ पीसीओडी पेशेंट. कैन आई हैव थ्री टाइम्स ग्रीन कॉफी.
Can I have a green coffee before going for a sleep? I clearly mentioned in my videos ki have green coffee after 1 hour of heavy meal. That's the process. And I'm not going to reply such kind of comments. First thing. Now move to the Ramzan diet Q&A. बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, because you know, और last चीज़ में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि guys, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने रमज़ान डाइट में कुछ मिस्टेक करी है या फिर यू नो कुछ मैंने आप लोगों की फीलिंग्स को किसी चीज़ को हर्ट किया है, बिकॉज आई यूज भगवान जी वर्ड इन माई रमज़ान डाइट. अब मेरे लिए तो भगवान जी यू नो क्रिश्चियन कल्चर मुस्लिम कल्चर भी I, you know, relate each and every culture to a god. And I used to call them Bhagwanji. So, I think agar maine kuch mistake kari hai, ya phir, if I hurt your feelings, guys, so mere koi intention nahi the. I seriously feel sorry if I do that. And, you know, main bahut positive rehti hun. Kaafi positivity hai mere andar. Wahi cheez main apne viewers ko, subscribers ko dena chahti hun. Positivity related to life, positivity related to your tough time. एंड यू नो ब्लेस्ड रहो, शांत रहो सबसे पहली चीज़. एंड ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पर मुझे नेगेटिव कॉमेंट्स रिसीव नहीं होते, बट सीरियसली आई पर्सनली फील लाइक कि मुझे नेगेटिव कॉमेंट्स बहुत कम रिसीव होते हैं, विच इज़ वेरी हैप्पी एंड गुड थिंग फॉर मी. एंड मैं नेगेटिव कॉमेंट्स को पढ़ती ही नहीं हूँ. जहाँ तक मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, छोड़ दो उसके कमेंट्स को, पढ़ो मत, जस्ट ब्लॉक और डिलीट दैट पर्सन एंड बाहर निकलो. मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा ये लगता है कि यू गाइज आर सच अ पॉजिटिव पर्सन, एंड मुझे इतने अच्छे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर मिले हैं कि आप लोग मुझे कभी डाउन होने ही नहीं देते. लॉट्स ऑफ यू गाइज सेंड मी योर बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर ऑन माई फेसबुक, ऑन माई इंस्टाग्राम मैसेजेस. आई फील सो ब्लेस्ड ऑन अ डेली बेसिस. अगर मैं कभी थक जाती हूँ या मैं कभी डाउन फील करती हूँ, आई चेक माई इंस्टाग्राम मैसेजेस एंड मैं देखती हूँ उन सब की चीज़ों को, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. नाउ एक क्वेश्चन का मैं इजीली रिप्लाई कर देती हूँ अभी, एंड मैं अपनी आने वाली वीडियो में भी रिप्लाई कर दूंगी. गाइज मैं एवरी संडे मेक श्योर मैं लाइव आऊंगी हर संडे को. अब ये रूटीन हो जाएगा आप सबके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए. ज्यादातर क्वेश्चंस का जितने भी क्वेश्चन है लाइव सेशन करेंगे, जिनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा. I'll come live on every Sunday. Timing kya hoga? Because I also have a family. I have to take care of my family, other things, and my other businesses as well, jo main run kar rahi hu. So timing jo hoga, Instagram pe main post kar dungi. What is the time for coming live on Sunday? So agar aap mujhe Instagram pe follow kar rahe, then it's good. I'm sorry. Agar aap follow nahi kar rahe, then please go and follow me on Instagram so that ki aapko यू नो मेरी डेली लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, आई कीप ऑन पोस्टिंग देयर. डाइट भी मतलब जो आई यूज टू हैव माई डाइट, वो सभी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, सो देट कि आप लोग भी थोड़ा अपडेटेड रहोगे, राइट. एंड संडे को मॉर्निंग में आऊँगी या फिर नाइट में आऊँगी, वो सैटरडे की नाइट तक इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएगा. संडे लाइव टाइमिंग क्या होगी, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एवरी संडे करूँ. अगर एवरी संडे नहीं हो पाएगा, वैसे मेरा 99% पूरा रहेगा कि मैं 99% संडे को लाइव आऊंगी एवरी संडे. अगर नहीं हो पाएगा देन आई ट्राई माय बेस्ट कि सैटरडे को हो जाए, बट वीक में वन सेशन लाइव इज डन फ्रॉम माय साइड. एंड उसमें हाय हेलो कैसे हैं आप, वो सब चीज़ों पे बातें नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस पे बातें होंगी, क्यू एंड ए राउंड होगा. सो रेदर देन सेइंग हाय सुमन और हाय हाउ आर यू, Ask your questions. आप अपने questions मुझसे पूछिए and I'm going to reply you back on them. And मैं Instagram पे बहुत ज़्यादा active रहती हूँ, related to live session मैं काफ़ी करती हूँ Instagram पे. So guys, अगर आपको बहुत ज़्यादा major issues हैं, come and follow me on Instagram, ping me in DM, I will reply on your each and every questions on the Instagram. Now start with the video topic. I guess मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ. Start with the video topic. It's Ramzan diet. So let me see. Check 1 minute. This is my diary, जिसके अंदर मैंने काफी सारे आप लोगों के questions लिख रखे हैं related to Ramzan diet. Okay, so guys, आप लोगों के सबसे ज्यादा questions हैं smoothies लेने के बाद. First question जो है, आप लोगों को vomit feel हो रही है, कुछ लोगों को हो रही है vomit. So अगर आपको smoothies suit नहीं कर रही, reason being is आपने पूरे दिन जो है प्यासे रहे हो, पानी तक नहीं पीते आप लोग. I know your culture,
एंड पानी भी नहीं पीते एंड यू नो आप कुछ भी अपने अंदर नहीं डालते थे, कोल्ड कंप्लीट डे। आप स्मूदी लेंगे, कुछ लोगों को सूट करेगा जो अंदर से बहुत स्ट्रांग है, बट जो कुछ लोग वीक है उनको सूट नहीं भी कर रहा। सो गाइज आप स्मूदी को क्विट करके हैव लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। अब कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं द सेकेंड क्वेश्चन कम्स इज जो फ्रूट्स आप बता रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, कैन वी ईट वाटरमेलन एंड मेलन्स? गाइज आप वाटरमेलन अगर लोगे आप ले सकते हो, थोड़ा सा ले सकते हो, वो भी तब जब आप अपना फास्ट खोल रहे हो उस ड्यूरेशन में, फास्ट खत्म करने के टाइम पे नहीं। रीजन इज फास्ट जब खत्म कर रहे हो आप, मतलब अपना फास्ट जो नया आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, जब आप अपना फास्ट खोल रहे हो आप तब ले सकते हो वाटरमेलन, बट जब आप नया फास्ट अपना रख रहे हो लाइक मॉर्निंग टाइम, उस ड्यूरेशन में आप वाटरमेलन नहीं लेंगे। रीजन इज वाटरमेलन इज व्हाट, मैं वाटरमेलन को अवॉइड करने को ही कहती हूँ, स्पेशली इन पीसीओडी एंड डाइट में भी अगर आप ले रहे हो बहुत कम। रीजन इज वाटरमेलन इज मीठा मिश्री का पानी, उसके अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, समझ आता है, बट इट्स 90% मीठा मिश्री का पानी विच इज नॉट सूटेबल फॉर यू गाइज इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू लूज वेट। अगर आप उसको खाते हो उसके एक या डेढ़ घंटे के बाद आपको प्यास लगेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन उसमें शुगर क्वान्टिटी जो है बहुत ज्यादा है, आफ्टर हैविंग लॉट्स ऑफ शुगर आप लोगों को प्यास लगेगी। आप कौन कौन से और फ्रूट्स ले सकते हैं अगर आपके पास पाइन एप्पल, पपाया, ये सब नहीं मिल रहा है, कीवी नहीं मिल रही, स्ट्रॉबेरी नहीं मिल रहा है इस मौसम में, पियर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पियर्स ले सकते हैं, प्लम्स ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं, चेरी नहीं लेंगे आप लोग, एंड मौसमी तो हर जगह मिल रही है इस मौसम में, आप मौसमी ले सकते हैं। सो गाइज ये सब फ्रूट्स हैं जो आप इजिली ले सकते हैं। मेलन्स को ट्राई करना अवॉइड करने का, बट इफ यू वॉन्ट टू हैव अ मेलन्स, वाटरमेलन, मास्क मेलन, देन जब आप फास्ट अपना खोल रहे हैं उस टाइम पे आप लीजिएगा, तब आपके लिए बेहतर है। नाउ वर्कआउट पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, आई कांट डू वर्कआउट इन माय रोजा, सो व्हाट एल्स कैन आई डू दैट? आप अपना जब रोजा खोलते हैं, थोड़ा बहुत जो मैंने अपनी डाइट में बताया है डिटॉक्स वाटर के बाद, जो भी आपको मैंने विद सैलेड या जो भी बताया है वो खाने के बाद, एटलीस्ट आप 30 मिनट्स वॉक कर लीजिए, वॉक पे नहीं होता देन आप अपनी बॉडी को थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग कर लीजिए, बट डू समथिंग, स्ट्रेस चल लीजिए ऊपर नीचे, बट प्लीज डू समथिंग, सो यू गाइस शुड बी एक्टिव वन। थर्ड क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे रिसीव हुआ है, क्वांटिटी ऑफ नॉन वेज और फिश। नाउ सबसे बड़ी चीज आती है नॉन वेज कैसे खाना है। आप ग्रेवी वाला नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाएंगे जिसमें ग्रेवी होता है, बटर चिकन, चिली चिकन, नो। चिली चिकन बनाने के तरीके होते हैं, मैं चिकन पहले खाती थी अब नहीं खाती, बट चिली चिकन में जो सॉसेस डलती हैं, अजीनोमोटो और 10 चीज़ें और डलती हैं, वो सब आप हमें नहीं डाली, जस्ट रेड केचप, दैट्स इट, वो भी इतनी सी, वेरी लिटिल। ट्राई टू हैव टू पीसेस लेने आपने बस, बॉयल्ड चिकन, तंदूरी चिकन और चिकन सैलड, दैट्स इट। ग्रेवी चिकन आपने नहीं लेना, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेना। नाउ फिश क्वान्टिटी भी जो है आप वन स्मॉल स्लाइस, इतना स्लाइस आप फिश का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने फिश नहीं लेना, लेना ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुआ है, कैन आई ईट वाइट राइस बिकॉज ब्राउन राइस इज नॉट अवेलेबल? वाइट राइस अगर आप ले रहे हैं, यू गाइज मेक श्योर कि उसे बनाया कैसे जाता है, सिर्फ बॉइल किया जाता है, जो रेस्ट वाटर रह जाता है उसका, जो स्टार्च रह जाता है, फैट रह जाता है, उसे निकाल के, एंड वो भी जस्ट वन कटोरी आप ले सकते हैं वाइट राइस, अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि मुझे लेना ही लेना है, उसके अलावा आपको वाइट राइस नहीं लेना। ट्राई टू हैव ब्राउन राइस, अदरवाइज बर्ले दलिया, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप वाइट राइस, आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है एंड यू हैव टू टेक ब्राउन राइस, देन आप क्या लेंगे, जस्ट वन कटोरी ऑफ दैट बॉइल्ड राइस, जिसका वाटर बहुत ज़्यादा हम डालते हैं एंड देन थोड़े चावल डालते हैं, लेट इट बॉइल, लेट इट कुक, एंड देन हम उसका जितना पानी एक्सेस है वो निकाल देते हैं। तो इस मेथड से हमारे राइस बनेंगे एंड जो राइस जो बनेंगे वो आपको जस्ट वन कटोरी लेना, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। मूव टू द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी टेक पल्सेस इंस्टेड ऑफ चिकन? गाइस पल्सेस जो हैं वो आपको प्यास ज्यादा लगवाएंगे पूरे दिन, सो पल्सेस की जगह अगर आप फ्रेश वेजिटेबल सैलड या फिर वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी लेंगे विच इज मच मच बेटर, बट स्टिल अगर आपको पल्सेस लेनी है, आप ब्लैक चना लेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा रेस्ट जितने पल्सेस हैं, दालें वगैरह, वो आपको नहीं लेनी है, बट आप ब्लैक चना डेफिनेटली ले सकते हैं, ब्लैक चना सैलड भी ले सकते हैं, वेजिटेबल सैलड उसके साथ मिक्स मिक्स करके, या ग्रेवी वाला भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी ड्रिंक रू अफजा? आई नो आप लोगों में रोज वाटर या फिर कुछ ड्रिंक्स बनती हैं रू अफजा टाइप ऑफ, कैन वी ड्रिंक दैट? नो,
बिकॉज लॉट्स ऑफ शुगर क्वान्टिटी जो है वो उसके अंदर होगी, आप लोगों को नहीं देना. आप लोगों को स्टिल बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, या फिर आप वन ग्लास ग्लूकोन डी ले सकते हैं, जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, आप वन ग्लास ग्लूकोन डी डेफिनेटली ले सकते हैं. बट रू अफ्जा और यू नो सम रोज ड्रिंक्स या फिर कोई शरबत शुरबत आप नहीं ले सकते. और नेक्स्ट थिंग जो मुझे रिसीव हुई है, आप लोगों में बहुत ज़्यादा समोसास फ्राइड एंड यू नो मीठी चीज़ें खाई जाती है, कैन वी हैव वेरी लिटिल ऑफ देम? नो गाइस, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लोग कुछ भी फ्राइड खाओ या फिर कुछ भी ये सब खाओ. 15 दिन में एक बार ही चल जाएगा, 15 डेज में जस्ट वन टाइम. बट एवरी टाइम डेली बेसिस या हर दो दिन में एक बार ही समोसा एंड दीज टाइप ऑफ फ्राइड थिंग्स मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी. Now lots of questions people ask me this question कि fast पे जाने से पहले जो meal है वो मैंने light meal रखी है आपकी, but people ask me can we have barley dalia, can we have brown rice, can we have at least one mati vein chapati fast पे, next day के आपके fast पे जाने से पहले उसे मैंने fruits रखे पहली वाली चीज़ में. but अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा weak हो जाओगे, weakness आ रही है आपको, बिकॉज मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है रोज़ा का, ना मैंने कभी रखा है. सो यू नो अगर आपको लगता है कि यू कांट मैनेज योर सेल्फ विद ओनली विद फ्रूट्स, देन डेफिनेटली आप इनमें से कोई भी एक चीज़ें ले सकते हैं. नाउ आई वॉन्ट टू क्लियरिफाई यू वन वेरी सिंपल थिंग रिलेटेड टू डाइट. जो जो बंदा मेरी रमजान डाइट फॉलो करेगा उसका वेट लॉस तो होगा ही होगा. रीजन बींग इज लॉट्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड लो कार्ब्स है इस डाइट में. बट अगर आप यू नो तीनों टाइम भी अपनी हैवी मील लेते हैं, मतलब जब आपका फास्ट खुलता है नेक्स्ट डे के फास्ट पे जाने से पहले, अगर आप सिर्फ बर्ले दल या ब्राउन राइस मल्टीग्रेन चपाती भी खा रहे हैं तीन तीन डिफरेंट टाइम पे भी, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, स्टिल आप वेट लॉस करोगे. स्टिल उतना नहीं करोगे जितना मैंने कमिट किया है, बट 5 से 8 किलो तो जाएगा ही जाएगा बॉस, डेफिनेटली जाएगा. दिस इज माई राइट, दिस इज माई वर्ड्स एंड यू नो मुझे नहीं लगता कि ये जो डाइट है रमज़ान वाली डाइट है ये कुछ रॉन्ग है या मैंने कुछ गलत कहा है इसमें. बट हाँ, मुझे काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स रिसीव हुए हैं. आंटी अनलेस मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, सीरियसली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बट हाँ गाइस, थिंक बिफोर यू स्पीक, सोच के बोला करो. एंड मैं पहले ऐसी ही थी, मैं कुछ भी बोल जाती थी बिना सोचे समझे. नाउ आई सीरियसली थिंक अ लॉट बिफोर आई स्पीक एनीथिंग. सो दिस इज अ एडवाइस फॉर यू गाइस. एंड यू नो आप लोगों को लगता है कि शी इज जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ मनी, शी इज जस्ट मेकिंग अ वीडियो. गाइस मैं यूट्यूब से जितना कमाती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने अदर बिजनेस से कमाती हूँ, विच आई एम रनिंग राइट नाउ. सो इट्स नॉट लाइक आई एम डूइंग ओनली यूट्यूबिंग काइंड ऑफ अ पार्ट, बिकॉज यू गाइज डोंट नो मी एंड आप लोगों को मेरी लाइफ का पता नहीं है. व्हाट द अदर स्टफ आई एम डूइंग एंड व्हाट द अदर थिंग्स आई हैव इन माय लाइफ एज अ प्रायोरिटी पर्पस. सो या आप लोगों का काम है बोलना. इट्स माय मिस्टेक एज वेल कि मैंने अभी तक आप लोगों को अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन आई एम, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ करियर गोल्स आई हैव. आई विल डू दैट, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, बट नॉट नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम. वंस आई क्रॉस 5 लाख सब्सक्राइबर और समथिंग बिग थिंग, तब मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ अपनी एंटायर थिंग्स शेयर करूंगी. बट या दैट्स ऑल अबाउट द क्यू एन ए पार्ट, दैट्स ऑल अबाउट द थिंग्स. एंड आई होप यू लाइक दिस थिंग. एंड अगर मैंने ज़्यादा बोला है या फिर इफ यू फील लाइक आई हर्ट एनीबडी मेरी रमजान डाइट से, मेरा कभी इनिशियली पर्पज नहीं होता कि मैं किसी को हर्ट करूँ, बट स्टिल इफ यू गाइज फील कि आई हर्ट एनी वन, दैन I extremely very very sorry guys. And soon मैं अब next video जो होगी वो weight loss सब्जी की होगी, जिसको मैंने 2-2 सब्जीज की videos बनाई है. Every week I'm going to upload some weight loss सब्जीज, because बहुत सारी सब्जीज होती हैं. And two सब्जीज की videos मैंने ready कर लिया, 1 video which I'm going to upload very very soon after this video. And उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ share करूँगी, sugar diet. बिकॉज मेरी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी फ्रॉम शुगर, एंड हमारा शुगर का लेवल जो ग्राफ था वो ऊपर नीचे जा रहा था. आइदर इट्स वेरी लो 70-80, आइदर इट्स वेरी हाई 500-450 और 520. सो उसको मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है, मैनेज किया भी है. एंड मुझे अगर पहले अक्ल होती रिलेटेड टू डाइट तो मैं पहले ही उनको ठीक कर चुकी होती, बट पास्ट 1.5 ईयर से मुझे थोड़ी सी तमीज़ आई है कि खाना क्या खाना चाहिए, शुगर वालों के लिए क्या चीज़ है. एंड मैंने कुछ ड्रिंक्स बनाई थी, सो
उन्हें हम दे रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में, एंड उनका शुगर लेवल बहुत अच्छे से कंट्रोल है. सून हम क्या करेंगे, इंसुलिन जो है उनका चल रहा है वो भी बंद होने वाला है. सो गाइस, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ प्रोबेबली 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं डाइट अपलोड करूंगी, एंड सम ड्रिंक्स की पूरी जो थिंग है वो अपलोड करूंगी रिलेटेड टू शुगर, डायबिटीज के जितने लोग हैं उनके लिए. बिकॉज जैसे मेरी मदर की शुगर कंट्रोल हुई है, आई एम श्योर आप लोगों की जिन जिनकी मम्मियों को शुगर है, पापा को शुगर है, फैमिली मेम्बर्स में किसी को शुगर है, तो उनकी भी लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत सेफ हो जाएगी. बिकॉज शुगर एक ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे आपके बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनको खाता है, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू थिंग. एंड यू नो मैंने काफ़ी हद तक अपनी मदर की शुगर जो है कंट्रोल की है थ्रू सम डाइट, वर्कआउट एंड यू नो पर्टिकुलर सम ड्रिंक्स, अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक ड्रिंक्स. सो उन सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आने वाली मेरी कुछ वीडियोज़ में. बिकॉज मैं पहले टेस्ट कर रही थी कि हमें कितना फ़ायदा होगा. एंड वन मोर, एक मैं एक लाइन या फिर आप बोलो कि कुछ मैं आपको एक रिमार्क देने वाली हूँ यहाँ पे, कि जो भी वीडियोज अपलोड होती हैं, होम रेमेडीज, अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक, डीटॉक्स वाटर, डाइट, ये सब मेरी टेस्टेड होती है. एक्सपेक्ट ये जो रोज़ा वाली डाइट है, दिस रमज़ान डाइट, ये मैंने कभी फॉलो नहीं करी. बट उसके अलावा मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें होती हैं सब सेल्फ टेस्टेड होती हैं. सेल्फ टेस्टेड मीन्स या तो मेरे थ्रू टेस्ट है या मेरे फैमिली मेम्बर के थ्रू टेस्टेड है. सो इट्स नॉट लाइक कि डोंट कॉमेंट दैट थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो, शी इज मेकिंग अ थिंग. अगर ऐसा होता तो मेरे पास हज़ारों टॉपिक्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना सकती थी. बट या दैट्स ऑल अबाउट मी एंड दैट्स ऑल अबाउट द थिंग्स. एंड आई एम वेरी सून गोइंग टू अपलोड आवर शुगर डायबिटीज डाइट. एंड वो डाइट ऐसा नहीं है कि आपका वेट लॉस करेगी, इट्स जस्ट अ सिंपल डाइट विच कैन कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल. अगर आप लोग इंसुलिन पे हैं या आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेजेंडा या फिर बहुत यू नो महंगी महंगी दवाइयाँ चल रही हैं रिलेटेड टू डायबिटीज, यू गाइज मस्ट फॉलो मी एंड वॉच माई वीडियो जो मेरी अपकमिंग आएगी. आई थिंक मैं आप लोगों की लाइफ चेंज करने में काफ़ी हद तक हेल्प करूँगी. So yeah, that's all about me, that's all about my this video. I hope you like it and do subscribe if you like this video. And agar aap logo ko laga hai maine kuch galat bola hai, then again I'm very sorry. Yeah, take care, bye bye.